हम आपको एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सड़क पे दो महिलाएं जा रही हैं टर्की में, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई बात कर रही हैं, और फिर एकाएक जमीन नीचे, सड़क धस जाती है, महिलाएं नीचे चली जाती हैं। क्या होता है? एक एक तस्वीर कैमरे में कैद हुई है, जरा ध्यान से देखें आप। ये देखें, ये तस्वीरें आई हैं टर्की से। जरा देखें इन महिलाओं को बात करते हुए, किस तरीके से खिलखिलाकर मस्ती में इनकी बातचीत चल रही है। इनको अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ क्षणों में क्या होने वाला है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। जरा देखें आप, ये महिलाएं, एक महिला जो बुरके में है और एक महिला जो जीन्स और एक स्वेटर पहन के, देखें खिलखिला के बातें चल रही है। ये देखें आप, मस्ती में बातें हो रही है और ये महिला यहाँ पर रुकती है बात करने। ओ, ये क्या, पूरी सड़क अंदर, यकीन करना मुश्किल। एक बार फिर से देखें आप, ये हुआ क्या, कोई समझ नहीं पा रहा है। ये महिलाएं बातें कर रही होती हैं और टर्की से तस्वीरें आई हैं, और आपको बताना चाहेंगे टर्की में ये तस्वीरें, तुर्की के दियारबकीर से ये तस्वीरें आई हैं, जहां पर एकाएक सड़क धस जाती है, खिलखिलाती हुई महिलाएं एकदम नीचे। ओ हो, कैसे हो गया ये, समझ से भी परे। देखिए आप, ये फुटपाथ नहीं है, बकायदा सड़क है, पक्की सड़क है, सब कुछ नीचे। जब तक लोग समझ पाते ये महिलाएं नीचे, दियारबकीर जो जगह है तुर्की की, वहां पर ये घटना घटी। तुरंत दौड़ते हुए आसपास लोग आते हैं, एक व्यक्ति नीचे से, और आपको बताएं बेसमेंट में दुकान है, जी हाँ, बेसमेंट की दुकान से एक शख्स निकल रहा है। ये देखिए, पर्पल शर्ट में, बेसमेंट की दुकान से, और ये देखिए, ये नीचे महिला दिखाई दे रही है, उसके ऊपर ईंटें वीटे सब कुछ गिरी हुई है। ये देखिए किस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। लोग यहां पर आते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आ रहा है, बेसमेंट में काम चल रहा था, ऊपर सड़क थी, और ये देखिए सड़क किस तरीके से नीचे धंस जाती है, और दुकान के अंदर से लोग आते हैं रेस्क्यू करने, ऊपर से लोग आते हैं, और ये देखिए अब महिला को यहां पर खींच के उठाकर बाहर निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से दिखाते हैं दोनों तस्वीरें, टू विंडो में देखें जरा। एक तरफ ये महिलाएं खिलखिला के हंस रही और एकदम से नीचे धड़ाम, और दूसरी तरफ बेसमेंट से लोग निकलते हैं, ऊपर से लोग आते हैं और इन महिलाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, दोनों को बाहर निकाला जाता है। इस हादसे के बाद कोई भी कह सकता है इन महिलाओं का बचना असंभव है, लेकिन नहीं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, चोटें मामूली थी, लेकिन हादसा खौफजदा करने वाला, बेहद भयानक, सीसीटीवी में कैद हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक महिला को कितने बच्चे हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, ये मजाक है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं युगांडा की एक ऐसी महिला से जिसके 44 बच्चे हैं, 44 बच्चे, ऑल बायोलॉजिकल, खुद पैदा किए 44 बच्चे। आप देखे जरा, जी हाँ, छप्पर फाड़ के दिया है इनको, और इनको वो नसीब हुआ है जो अच्छे अच्छों को नसीब नहीं होता है। ये अलग बात है, न जाने कौन वो नसीब करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन मिलिए मरियम नप्तांसी से। इनकी तारीफ ये है कि ये युगांडा की सबसे फर्टाइल महिला का इनको खिताब मिला है। जी हाँ, युगांडा में इनको सबसे फर्टाइल महिला कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे बच्चे हैं। अब आप गिनती गिनना शुरू करें, कितने बच्चे हो सकते हैं इनके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते, 10, 20, 30, मजाक है कोई? नहीं, सच है ये, इनके 44 बच्चे हैं, 44, यानी अर्धशतक से 6 कम। युगांडा में शायद इसीलिए इनको मोस्ट फर्टाइल वुमेन की उपाधि दी गई है। मरियम की एक और आपको बात बताएं, मरियम ने करीब 4 बार ट्विंस को जन्म दिया और 3 बार 5-5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। कैसे संभव है ये? लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, मरियम बहुत खुश है। मरियम कहती है कि मैं चाहती थी कि मेरे 6 बच्चे हो, लेकिन 4 बार तो ऐसा हो गया कि मेरे 4-4 बच्चे हुए, और अब मैं क्या कहूं। खैर, मरियम ये भी कहती है कि मैं डॉक्टर्स के पास गई ये कहने के लिए कि बस अब बहुत हो गया, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन क्या कहे, ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है इन पर।
तो ये देखिए मरियम के इतने सारे बच्चे, और ये देखिए मरियम किस तरीके से अपने बच्चों में खाने का वितरण कर रही हैं। उम्र सिर्फ 39 साल, और अब चाहती है कि बस यहाँ पे लग जाए पूर्ण विराम। आस पड़ोस वाले लोग बोलते हैं कि बाप रे बाप, अपने आप में एक पूरी फैमिली है ये, बल्कि एक फैमिली नहीं है, अपने आप में पूरा का पूरा एक छोटा सा गांव बस गया है यहाँ पर। खैर, मरियम की तारीफ ही कुछ और है। हालांकि मरियम अपनी इस उपलब्धि से खुश काफी है। खैर, ये अलग बात है कि इस पूरे मामले में डॉक्टर्स के लिए एक रिसर्च का सब्जेक्ट भी बन गई।